उत्तराखंड का नुकसान तो है ही है निसंदेह के इस्तीफे से, और देखिए उसकी भरपाई कैसे होती है ये देखने वाली बात है। लेकिन जितना अगर हो सकता है उनकी जगह कोई दूसरा उत्तराखंड से मिनिस्टर आ भी जाता है तो जितना अनुभव निशंक को है उतना दूसरा अभी तक जितने भी यहाँ पर सांसद हैं बीजेपी के उत्तराखंड से उतना सांसद किसी, क्योंकि निशंक की यूपी के जमाने से मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, पर्वतीय विकास मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ के वित्त मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनका लंबा अनुभव है। तो केंद्र में भी ऐसा लगता था यहाँ के कई जो उनके उत्तराखंड के जो इंटरेस्ट जो होते हैं उनके हितों की के बारे में था कि भाई निशंक उनका रक्षा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। तब देखते हैं जो भी होगा, लेकिन चर्चा तो ये भी है कि एक तो निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य खराब था, पिछले लगभग एक महीने से एम्स में भर्ती थे, और उनके पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि अभी उनको नॉर्मल से आने में लगभग एक महीना लगेगा। अच्छा। रिकवर हो रहे हैं, तेजी से रिकवर हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये भी चर्चा है कि बीजेपी किसके नेतृत्व में कैसे 2022 चुनाव में जाएगी, क्योंकि परख लिया इन्होंने, त्रिवेंद्र को परख लिया, तीरथ सिंह को परख लिया, अब ध्यानी को धामी साहब को परख रहे हैं, धामी के पास बहुत कम समय है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा अनुभवी व्यक्ति भी चाहिए। दूसरा गढ़वाल से आप किसे करेंगे, अब गढ़वाल तो एकदम गढ़वाल का जो पहाड़ी इलाका है वो तो एकदम, यही मेरा सवाल सर अगला सवाल था कि जिस तरह से कुमाऊं और गढ़वाल को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, मंतव्य बन रहा है। नहीं नहीं, गढ़वाल इसलिए नहीं हटाया गया कि वो गढ़वाल वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, तो त्रिवेंद्र रावत को इसलिए हटाया कि वो जो सर्वे में देश में सबसे अलोकप्रिय खराब मुख्यमंत्री साबित हुए। उसके बाद उनके कई डिसीजन थे जो कंट्रोवर्शियल थे, जिसमें जनाक्रोश भड़क रहा था, जैसे उसका गैरसैंण को मंडल बनाना है, चार धाम बोर्ड है, जमीनों की खरीद फरोख्त के मामले हैं, उसके बाद अपने भी व्यक्तिगत उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तो वो कई कंट्रोवर्सी उनको हो गई थी। तो उस कंट्रोवर्सी बचने से बचने के लिए उनको 4 साल से पहले ही हटा दिया गया, लेकिन उनका जो रिप्लेसमेंट हुआ वो ज्यादा गंभीर साबित नहीं हुए। उन्होंने उनके जो बयान दिए उन्होंने उससे तो बड़ा बड़ा बीजेपी की ही नहीं संपूर्ण उत्तराखंड की बड़ा जगह हसाई हुई, सारी दुनिया में जगह हसाई हुई है। तो निशंक का अगर हम बात करें तो निशंक अजय भट्ट को भी कैबिनेट में लिया जा सकता है, उनकी बात करते हैं चल रही, आपको क्या लगता है और किस चेहरे को जगह मिल सकती है? त्रिवेंद्र भी खाली हुए हैं अभी, मुख्यमंत्री बैठे हैं, तीरथ रावत बैठे हैं, और अब निशंक भी खाली हो गए एक हिसाब से, किस तरह से ये लोग इन सारे नेताओं को एडजस्ट करेंगे संगठन में हो या फिर इलेक्शन में हो आगे आने वाले? त्रिवेंद्र को हटाया, त्रिवेंद्र को तो संभवतः संगठन में जगह दी ही जाएगी, और इनको भी इनको ऐसा खाली थोड़ी छोड़ा जाएगा। निशंक जी का जो सांगठनिक क्षमता है, जो अनुभव है, तो वो तो सबसे ज्यादा है, वो करेंगे। और अगर इनको अजय भट्ट को बनाया जाता, अजय भट्ट सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, उत्तराखंड से समझदार हैं, उत्तराखंड बीजेपी को अध्यक्ष रह चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन उत्तराखंड में रह चुके हैं, शुरू के सरकार में मिनिस्टर भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनका है, वो केंद्र में जाते हैं, लेकिन जितना अनुभव निशंक का था उतना अजय भट्ट का नहीं है। और दूसरी वो भी तो अभी हाँ उसको तो वो सारी चीज देखनी होगी। दूसरा अजय टमटाक का भी बात है, हो सकता है उनका भी है कुछ, ये भी बात उठ रही है कि तीरथ सिंह को भी क्या पता रिहेबिलिटेट कर दे। लेकिन अगर फिर ये होगा कि सारा की अजय भट्ट को भी को दे दिया, फिर सारा कुमाऊं होगा, क्षेत्रीय संतुलन उत्तराखंड से इतने ज्यादा, क्षेत्रीय संतुलन का भी शायद उनको देखना पड़ेगा।